गुमला के सिसई प्रखंड में शादी की पूरी तैयारी होने के बाद दूल्हे द्वारा दहेज मांगने का मामला प्रकाश में आया है। अचानक दहेज मांगने के कारण शादी रुक गई। लड़की पक्ष द्वारा शादी की गई पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। इस मामले में लड़की पक्ष वालों ने सिसई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें लड़का द्वारा एक बाइक व 2.5 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जाने पूरा मामला हमारे प्रतिनिधि प्रफुल्ल भगत की जुबानी। इसके बावजूद भी दहेज लोभियों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। कई बेटियां दहेज के लिए मारी जा रही हैं, तो कई बेटियों को मंडप पे रोते बिलखते छोड़ के बारात लौट जा रही है। कई बेटियों का निमंत्रण कार्ड बटने के बाद दूल्हा शादी से इनकार कर दे रहा है। ऐसे ही कुछ मामला सिसई थाना क्षेत्र के डढ़ा गांव में देखने को मिला है, जहां शादी का निमंत्रण कार्ड बटने के बाद, शादी की सारी तैयारी होने के बाद, बारात के कुछ देर पहले दूल्हे के द्वारा दहेज में एक बाइक और 2.5 लाख रुपया की मांग कर नहीं देने पर शादी से इनकार कर दिया गया। लड़के के शादी से इनकार करने को लेकर लड़की के परिजनों ने बहुत बान बनौवल किया, जिसके बाद भी लड़का बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसे लड़की परिवार की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। वही दुल्हन के परिवारों में मायूसी है। इस संबंध में लड़की के भाई बुधेश्वर पुराव ने सिसई थाना में आवेदन देकर दुल्हा के ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग किया है। बुधेश्वर ने अपने आवेदन में कहा है, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार उसकी बहन का शादी रांची ठाकुरगांव जिला के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के पतराटोली गांव निवासी विनोद टोप्पो के साथ शादी तय हुई थी। दोनों पक्षों के द्वारा निमंत्रण पत्र बांटने के बाद दूल्हा के द्वारा दहेज में एक बाइक और नगद 2.5 लाख रुपए की मांग किया जाने लगा। काफ़ी समझाने के बाद भी दूल्हा बारात लाने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने शादी से इनकार कर दिया, जिसे परिजनों में काफ़ी मायूसी है। लड़की के माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। लोग अपनी सफाई देते देते थक जा रहे हैं कि शादी का टूटने का कारण क्या है। वहीं बुधेश्वर के आवेदन पर सिसई थाना में विनोद के विरुद्ध IPC की धारा 405 और 4 डोरी 1 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। गुमला की खबरों के लिए बने रहिए।